हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव फॉलो मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब? मेरी किचन में आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि घर पे ही आप एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं वेज फ्राइड राइस कैसे आप इजीली बना पाओगे। और ये बहुत कलरफुल होगा, साथ में इसका एरोमा भी मस्त और टेस्ट तो दोस्तों पूछो ही मत। और ये रेसिपी को जानने के लिए, पहचानने के लिए और मेरे वीडियोस और चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो आपके ब्यूटीफुल फेस पे हमेशा ब्यूटीफुल स्माइल लाते रहते हैं गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 3 पीस गार्लिक चॉप कर लिए हैं, 1 बड़ा सा ग्रीन चिली चॉप कर लिए, 1 बड़ा साइज का प्याज मैंने चॉप कर लिया है। वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने ये वेजेस जो है, यहाँ पे मैंने कैरेट यूज किया है, ये व्हाइट कलर का पोटैटो और ग्रीन बीन्स, ये तीनों का मैंने वेजेस बनाऊंगी। वेज फ्राइड राइस के लिए मैं यूज किया, इसे मैं पहले ही कट करके जरा फ्रीजर में रख दिया था। फ्रीज में, डीप फ्रीजर में मत रखना फ्रेंड्स, इसे सिर्फ फ्रीजर में रखना ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसे आप अच्छे से फिर फ्राई कर सकते हो। फ्राइड राइस का जो राइस मैंने लिया है, ये राइस को भी मैंने 2 घंटे पहले कुक किया था और इसको मैंने फ्रीज में रख दिया ताकि ये अच्छे से, इसका भी जब आप कुक करोगे तब ये टूट ना जाए, इसीलिए आपको, अगर आप चाहो तो आप फ्रीज में रख सकते हो। कढ़ाई पे मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 चम्मच व्हाइट ऑयल दे दिए हैं और मैंने 1 टीस्पून ही आप कह सकते हो, ये देखिए ये मैंने घी डाल दिया है, फ्लेवर आएंगे अच्छे। ये मैंने ऑनियन, गार्लिक और जो चिली को चॉप करके रखा था वो डाल दिया कढ़ाई पे, आप देख ही रहे हो। और इसमें मैं थोड़ा सा जस्ट ये वेजेस को फ्राई करने के लिए जितना नमक चाहिए स्वाद अनुसार वो मैं ऐड कर दिए और इसे आप मिक्स कर दीजिए। ये ऑनियन चॉप्ड, गार्लिक चॉप और चिली जो है उसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हो फ्रेंड्स, चाइनीज़ में, चाइनीज़ लोग अपने डिश में चिलीज और गार्लिक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे आप तब तक ज़रा फ्राई करने दीजिए ताकि आप खुद ही देखना, जो ये जो मेरे कच्चा गार्लिक का स्मेल जब तक ना जाए तब तक आप इसे फ्राई कीजिएगा। ये देखिए ये ऑनियन, गार्लिक और चिली फ्राइज हो रहे तेल में, इसे तब तक फ्राई कीजिए ताकि जो गार्लिक का कच्चा स्मेल है वो जब तक ना पूरी तरह से चला जाए आप उसे फ्राई कीजिए। और हाँ, स्लो फ्लेम या धीमी फ्लेम पे पकाना है इसे, नहीं तो ये जल जाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा ये फ्राई हो चुका है और गार्लिक का कच्चा स्मेल चला भी गया है, तो मैं अभी वेजीज ऐड कर रही हूँ। ये मैंने वेजीज, पोटैटो स्लाइस और कैरेट स्लाइस और बीन्स एकदम छोटा छोटा बारीक कटी मैंने कट करके इसको ऐड कर लिया है। मसाला और ज़्यादा नहीं, बस और 1/2 स्पून मैगी मसाला ऐड कर दिए है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब मैं थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि वो राइस ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी फ्रेंड्स, नहीं तो राइस टूट जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट
वेजीज फ्राई हो गया है। ये कैरेट जो है आप कैसे समझोगे, ये जो कैरेट जो है ना, ये कैरेट को आप जरा प्रिक कर दीजिए तो ये देखिए ये टूट जा रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये टूट गया। ये पोटैटो है, इसे मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, ये भी टूट गया। इसका मतलब वेजीज फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं वो राइस दे दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो जो फ्रिज में रखा हुआ राइस था, वो राइस मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और इसे अभी आपको अच्छे से ये वेजीज के साथ मिक्स करना है। अब ये अच्छे से आप इसे मिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स, बस। और 2-3 मिनट हार्डली पकाइए इसे मिक्स करने के बाद, और आपका होममेड वेज फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। और इसे आप, मैं सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मत सर्व कीजिए, मतलब मत खाइए। मैं सजेस्ट करूंगी इसे आप हल्का सा ठंडा होने दीजिए, एकदम ठंडा मत होने दीजिए, लेकिन हल्का सा ठंडा होने दीजिए, तब जाके इसका जो टेस्ट है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से खिल जाएंगे एकदम। ये देखा दोस्तों, मेरा वेजी फ्राइड राइस होममेड, बिल्कुल होम टाइप। ये आप बच्चों को भी अगर आप सर्व करोगे उसे भी अच्छा लगेंगे, साथ साथ ये ज्यादा तीखा भी नहीं है और ये पूरी तरह से न्यूट्रिशियस फूड भी है। फ्रेंड्स, मेरा होममेड वेज फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी ही हो चुका है, आप देख ही रहे हो। ये देखिए, इसका बहुत अच्छा एरोमा भी आ रहा है और साथ में कलर भी बहुत बढ़िया हुआ है। और टेस्ट वो तो मैं खुद टेस्ट कर लूंगी, लेकिन इसको कैसे आप टेस्ट करोगे ये आपको खुद ही बनाना है। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पे बताना कि कैसा बना, उसका टेस्ट, उसका एरोमा कैसा आया। और लास्टली, मेरे क्रिएटिव चैनल को ये वीडियो लाइक कीजिए, गुड कमेंट जरूर कीजिए, साथ में ये भी बताना कि आप लोगों का वेज फ्राइड राइस मेरी रेसिपी को देख के कैसा बना। और साथ में क्रिएटिव फॉलो मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए। टाटा।